नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं लिख रही हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक क्रिएटिव वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है दही से मक्खन और मक्खन से घी बनाने का। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही लिया है, ये रात का जमाया हुआ दही है। तो सबसे पहले हमने ये एक बड़ा बर्तन लिया है, इसको हम अच्छे से धो लेंगे। और ये जो दही जमाया हुआ था वो दही हम इस बड़े बर्तन में डाल देते हैं। ये 10 किलो के लगभग दही होगा। तो ये पूरा दही हम इसमें डाल देते हैं। दही वाले बर्तन को भी हम अच्छे से धोकर इस बड़े वाले बर्तन में डाल देते हैं। तो दही को हमने एक बड़े भगोने में डाल दिया है और अभी हम दही से मक्खन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये मशीन ली है, ये बिलोना करने वाली मशीन होती है। तो आज हम इसी मशीन से दही से मक्खन बनाएंगे। तो इस मशीन को हम इस बड़े वाले भगोने के ऊपर रख देते हैं और इसकी पिन हम लगा देते हैं प्लग में। पिन लगा दिए, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मशीन स्टार्ट हो गई है और कुछ ही देर में दही से मक्खन बन जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि मशीन कैसे चलती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से अंदर स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से ये अंदर घूमती है और दही से मक्खन अलग हो जाता है। ये ऑफ, ये ऑन कर दी मैंने। ये देखिए इस तरह से ये मशीन चलती है। तो अब हम इसको चला लेते हैं, स्टार्ट कर दी वापस मशीन। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इससे मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये मक्खन बनना शुरू हो चुका है। इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है, हल्का जो नॉर्मल पानी होता है वो पानी हमने डाल दिया है इसके अंदर। वापस चला लेते हैं एक बार। इस तरह से पानी डालकर अगर चलाएंगे तो बिल्कुल मक्खन अलग से पूरा एक गोल गोल मक्खन बनके तैयार हो जाएगा, मक्खन की दलिया बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से अगर हम पानी डालकर अगर दूसरी बार हम इसको चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से मक्खन निकल के तैयार होगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से मक्खन निकल के तैयार हो गया है। तो अभी हम इस मक्खन को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो अच्छे से इस मशीन के ऊपर जो मक्खन लगा हुआ है उसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। सारे मक्खन को हम अच्छे से पोंछ कर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा और एकदम फ्रेश मक्खन है, बिल्कुल घर का मक्खन है और खाने में भी तो ये बहुत टेस्टी है ही। तो इस मक्खन को हम एक भगोने में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश मक्खन निकल के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल देसी मक्खन है, येलो येलो मक्खन दिख रहा है। तो सारे मक्खन को हम छाछ के अंदर से सारे मक्खन को निकाल लेते हैं। मक्खन के अंदर जो छाछ चली गई है उसको भी हम निकाल लेते हैं। छाछ के अंदर मक्खन की छोटी छोटी डलियां होती है उसको भी हम निकाल लेंगे।
तो ये सारा मक्खन निकाल के हमने तैयार कर लिया है। तो अभी हम इस मक्खन का घी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने गैस स्टार्ट कर दिया है और ये जो मक्खन का भगोना है वो गैस पे रख दिया है। मक्खन पिघलना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में ये मक्खन से घी बन जाएगा। चम्मच हिलाकर हमें इसको अच्छे से चलाना है और अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये घी बहुत ही सरल तरीके से बनके तैयार हो जाएगा और जो इसके अंदर छाछ है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है। नमक से छाछ बिल्कुल जल जाएगी और घी अलग से बहुत ही अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं नमक डालने के बाद जो छाछ है वो जल रही है, बिल्कुल छाछ घी से अलग हो जाएगी और एकदम अच्छे से फ्रेश ताज़ा घी बन के निकल के तैयार हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी ट्रिक भी बताऊंगी, अगर नमक डालने से आपका घी अगर छाछ और घी अलग ना हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आटा डाल दें जिससे कि ये छाछ जो है बहुत ही अच्छे से अलग हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से जो आटा होता है वो बिल्कुल छाछ और आटा अलग हो जाएंगे। आटा जो छाछ को अपने और कर लेगा और घी बिल्कुल अलग से अलग निकल जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत छाछ है तो वो भी हमें बिल्कुल अलग करनी है और इसका एकदम प्योर घी निकालना है। अगर आप आटा ना डालना चाहें तो आप नमक ही डालें और इसको चलाते रहें, इससे भी घी आसानी से निकल जाएगा। और अगर आपको जल्दी से घी निकालना हो तो आप इसमें थोड़ा सा आटा डाल दें जिससे कि जल्दी से छाछ सारी जल जाएगी और घी अलग हो जाएगा। आटा डालकर एक बार फिर से मिला लें। आटा डालने के बाद आप देख सकते हैं जो छाछ है वो बिल्कुल अलग हो गई है और घी अलग से निकल के तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये जो छाछ और ये आटा है इसको हम खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी के साथ गरम गरम खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको वेस्ट ना करें। और हमारे मारवाड़ी में इसको आलनिया भी बोलते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी आप देख लीजिए घी बिल्कुल अलग दिख रहा है और छाछ बिल्कुल अलग दिख रही है। तो अभी ये हमारा परफेक्ट घी निकल के तैयार हो गया है। तो घी हमारा अच्छे से, छाछ अच्छे से जल चुकी है, बिल्कुल अलग हो गया है और घी भी हमारा अलग हो गया है, मतलब घी हमारा अच्छे से बन गया है। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, बस इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से हमारा घी बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से एकदम ताजा घी दिख रहा है हमको। गैस को बंद कर दिया है मैंने और घी को हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो घी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए छाछ बिल्कुल अलग हो गई है और घी बिल्कुल अलग हो गया है, और घी अलग दिख रहा है, छाछ नीचे भगोने में लगी हुई अलग दिख रही है, बिल्कुल भी छाछ नहीं है इसके अंदर और घी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, एकदम ताज़ा घी बन के तैयार हुआ है। तो इस घी को हम एक बर्तन में छान लेते हैं, छलनी रखकर हम घी को छान लेंगे। बहुत ही अच्छा एकदम गाय का ताजा घी बन के तैयार हुआ है,
और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज़।